तो भाई लोग फाइटर मूवी का डे टू का कलेक्शन मतलब 50% ग्रोथ दोस्तों। डे वन के कलेक्शन के मुकाबले में 50% ग्रोथ माना है फाइटर के कलेक्शन ने दोस्तों। दिन है फ्राइडे का और धमाका है बहुत बड़ा दोस्तों। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। डे टू के कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, इसकी ओकुपेंसी कितनी, बाकी कई सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ फाइटर मूवी के द्वारा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पता है कि फाइटर मूवी का हाइप दोस्तों शुरुआत के दिनों में ज्यादा खास नहीं था। जैसी भाई मूवी रिलीज हुई भाई हाइप दोस्तों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम इसकी डे टू की मॉर्निंग ओकोपेंसी की बात करेंगे, जो कि मॉर्निंग ओकोपेंसी है 23.40%, आफ्टरनून ओकोपेंसी है 44.81%, इवनिंग ओकोपेंसी है 52.66%, नाइट ओकोपेंसी है 45.60%। इसी के हिसाब से इसकी जो डे टू की जो एडवांस बुकिंग हुई थी दोस्तों वो हुई थी भाई 13 करोड़ 12 लाख रुपए। दिन है फ्राइडे का यानी जुम्मे का यानी शुक्रवार का दोस्तों। डे टू में इनने जो कलेक्शन करा दोस्तों, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इनने 38 करोड़ से लेके 40 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर लिया है दोस्तों। यानी कि 38 करोड़ से लेके 40 करोड़ के बीच में भाई इनने डे टू के अंदर कलेक्शन कर लिया है दोस्तों। डे वन का जो कलेक्शन था तकरीबन 224 करोड़ के आसपास था, यानी दोस्तों 50% की ग्रोथ मार लिए भाई ने डे टू के कलेक्शन के मामले में दोस्तों। तो इससे पहले सिद्धार्थ आनंद की इसी साल मतलब पिछले साल दोस्तों इन्हीं दोनों में रिलीज़ करी गई थी पठान, जो कि 25 जनवरी को रिलीज़ करी गई थी। फाइटर भी 25 जनवरी को रिलीज़ करी गई है दोस्तों। पठान मूवी ने डे टू के अंदर भाई 70 करोड़ रुपये कमाए थे भाई, विद बायकॉट गैंग पीछे पड़ा हुआ था भाई, बायकॉट गैंग पीछे पड़ा हुआ था फिर भी उसके मुताबिक भाई। तो वही स्टार स्टार का ही फ़र्क है भाई, ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग्स अच्छी है, शाहरुख खान थोड़ा ऊपर है भाई, तो भाई कलेक्शन तो दोस्तों ज़्यादा ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई ऋतिक रोशन ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करा भाई अपनी फाइटर मूवी के द्वारा। टोटल इंडिया डेट कलेक्शन हो चुका भाई 61 करोड़ 5 लाख रुपए। ग्रोसर की बात करें भाई 65 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुकी है। ओवरसीज़ के अंदर 8 करोड़ रुपए कमा चुके डे वन का। ये डे वन की ओवरसीज़ रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई, कि डे टू की शाम को आ जाएगी वो मैं आपको आगाह कर दूंगा। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका दोस्तों 70 करोड़ के आसपास ये कमा चुके भाई डे दो के अंदर। तो गाइस मूवी को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, पब्लिक लाइक कर रही है, जो भी बाहर देखकर मूवी निकलना कह रहा है कि भाई मूवी अच्छी है। एयरफोर्स स्ट्राइक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वीएफएक्स खतरनाक है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। हैटर्स सारे चुप हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों थिएटर के अंदर काफ़ी अच्छा पब्लिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। मूवी का बजट 250 करोड़ है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं, ये दो दिन के अंदर 70 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं क्या ये अपना बजट निकाल पाएगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप ऋतिक रोशन की इससे पहली वाली फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 250 करोड़ का इसका बजट है, क्या ये अपना बजट भी क्रॉस कर पाएगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।